Hi guys, Avinash Roy, Sai Vidya Foundation से, Career Counselor और Admission Consultant. आज मैं यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताऊंगा, जिसका नाम है टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी. टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है. यूक्रेन की जो मिनिस्ट्री मेडिकल एजुकेशन को हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उसने इसे टॉप रैंकिंग में रखा हुआ है. यहाँ पे 19 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से एक डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट है, जिसके बारे में मैं आज जस्ट आपसे बात करूंगा. मेडिकल डिपार्टमेंट में 100 से भी ज्यादा टीचिंग स्टाफ हैं इस यूनिवर्सिटीज में, जिसमें से 15 से ज्यादा ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनको यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने मेरिट्स ऑफ साइंटिस्ट का अवार्ड दिया हुआ है. यहां पे अब मैं बात करूं थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में, स्टूडेंट जो इंडिया से जाते हैं उनका कैसे होता है. तो आपको बता दूं कि 25% से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटीज में हैं, जो इंग्लिश मीडियम में अपना कोर्स कर रहे हैं वहां पे एमबीबीएस का. प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए 8 से 10 बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं, जो ह्यूमन बॉडी पे और अदर थिंग्स पे उनका पढ़ाई होता है. तो इस प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उनका जो ग्रुप बनता है वो 8 से 10 स्टूडेंट का होता है, जो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट के ग्रुप बनते हैं. इसकी डिग्री के बारे में बात कर ले तो इसका डिग्री WHO, USA, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, इंग्लैंड की जो काउंसिल है, जो मेडिकल काउंसिल है उससे, और भी बहुत सारे कंट्रीज के जो मेडिकल एजुकेशन काउंसिल्स हैं उनसे, सारे जगह से ये एफिलिएटेड हैं, इनके डिग्री रिकॉग्नाइज्ड हैं. यहाँ के कोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें तो जो MBBS का कोर्स है वो 6 साल का होता है. अगर मेडिकल एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो आप यूक्रेन के साथ साथ में रशियन फेडरेशन के कंट्रीज में और पोलैंड के बहुत सारी हॉस्पिटल्स में आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए आपको उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा और उनके एग्रीमेंट जो है उन पे आपको सिग्नेचर करने होंगे. उनके अकॉर्डिंग आपको वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल एक्टिविटीज करने का ऑप्शन मिल सकता है. यूक्रेन में भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं आसानी से. उसके लिए आपको वहां के जो एग्रीमेंट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको फुलफिल करना होगा. अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक करें. अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें. अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आपको तो जरूर कमेंट करें. और भी कुछ अगर टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पूछना हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. यूक्रेन में एडमिशन के क्या प्रोसीजर है, इसके लिए मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा. अगर आपको नहीं समझ में आता है यूक्रेन में एडमिशन कैसे करें तो आप मेरे से भी कर सकते हैं. यहाँ पे अगर मैं मेस की बात करूं तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट के लिए इंडियन मेस अवेलेबल है. स्टूडेंट आसानी से सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. मैं अभी स्टूडेंट के बारे में बात करूं तो एक चीज यहाँ पे आपको बहुत बारीक समझने वाली चीज ये है कि यहाँ के प्रोफेसर तो अच्छे हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट तो अच्छा है आपके लिए, लेकिन पढ़ाई आपको करनी है. आपको ध्यान देना है कि आप अपने आप को कैसे और अधिक बिल्डअप कर सकते हो. अदर की चीजों पे आपको कम ध्यान देना होगा. आपकी पढ़ाई पे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. आपका फोकस अपना पढ़ाई पे रखना पड़ेगा. ये मैं सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चों को बोल रहा हूँ. ये सिर्फ ऐसा नहीं कि यूक्रेन जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल कोई सजेशन है, ऐसा कुछ नहीं है. जहां पे भी बच्चे जा रहे हैं आपको खुद से पढ़ने की जरूरत है वहां पे, क्योंकि टीचिंग स्टाफ जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हैं, लेकिन नॉलेज जो है वो आपको उनसे ग्रैप करना है. अब कैसे आप उसको ग्रैप करेंगे, ये आपको एक लिमिटेशन बनाने होंगे, आपको वो एक स्ट्रेटजी बनानी होगी अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग. और ये मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, चाहे वो इंडिया में पढ़े या फिर वहां फॉरेन में पढ़े, सारे बच्चों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तब तक कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, कोई भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं कर सकते हो. तो अगर आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो,
फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके ऊपर, तो इस चीज का बहुत ध्यान से ध्यान दें. अदर जो भी चीजें हैं, अगर आपको और भी नॉलेज लेना होगा तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं.